नमस्कार भारत, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश परिहार बैंकिंग की इस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। देखिए, हमारा जो मिशन है उस मिशन के बारे में हम बात करते हैं। तो हमारा जो मिशन है, मिशन RRB, एक रीजनल रूरल बैंक की जो एग्ज़ाम है उसकी एग्ज़ाम होने वाली है, उस एग्ज़ाम के बारे में हम बात कर रहे हैं। ग्रामीण बैंक की एक एग्ज़ाम है जिसका प्री एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है। उससे पहले वाली एक क्लास में, इससे जस्ट पहले वाली क्लास में आपने 2 घंटे का एक वीडियो देखा होगा जिसमें आपको हमने 2019 में एक प्री का एक पेपर आया था, उसके 40 ही क्वेश्चन को हमने सॉल्यूशन करवाया और यहाँ पे एनालिसिस करा था कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो आज मिशन RRB में एक टॉपिक हम लेंगे जिसको पूरी तरह से पूरा करके और आपका उसका फोबिया जो है वो पूरी तरह से खत्म करेंगे। तो टॉपिक है वो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या है वो? क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम बोलते हैं वर्ग समीकरण, ठीक है। ये वर्ग समीकरण के जो सवाल होते हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। यानी आपके 5 क्वेश्चन पिछले अगर 3 सालों का या 4 सालों का अगर पूरा जायजा लिया जाए तो IBPS क्लर्क, IBPS की जो क्लर्क की एग्जाम होती है, ऑफिसर की एग्जाम होती है, SBI ले लो, RBI ले लो, NABARD ले लो, यानी बैंकिंग और इंश्योरेंस रिलेटेड जितनी भी एग्जाम होती है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन प्री में या फिर मेन में पूछे जाते हैं, या हो सकता है प्री और मेन दोनों में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज हम उसके 5 क्वेश्चनों के बारे में पूरी तरह से, इस क्लास में पूरा बना रहना। अगर आपको वर्ग समीकरण के बारे में अगर एक भी चीज नहीं आती है तो भी आप ये चीज सीख जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर हम आज हमारा शुरू करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में अगर हम कहें, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ना अगर SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाए तो थोड़ा अलग है, और हम बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े तो थोड़ा अलग है। देखिए, बैंकिंग का पॉइंट ऑफ व्यू ये कहता है, जैसे मैं 2 इक्वेशन लिखता हूं, पहली इक्वेशन है, देखो बैंकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब ये हो रहा है कि आपका यहां पर एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी जिससे x की वैल्यू या कुछ भी एक चर की वैल्यू आएगी, जैसे कि यहां पे 3x² प्लस 13x प्लस 12 बराबर 0। और दूसरी एक और इक्वेशन ले ली जाए, y² प्लस 9y प्लस 20 बराबर 0, ठीक है। ये इस प्रकार की इक्वेशन एग्जाम में आती है, ठीक है। अब क्या करना रहता है इसमें कि इससे x की 2 वैल्यू आएगी। क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का मतलब होता है जिसकी पावर कितनी होती है। व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मेशन होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c = 0। अगर मैं SSC के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसके अलग हल होते हैं। इसके जो x की जो वैल्यू होती है उसको रूट बोला जाता है, अल्फा और बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, और x की वैल्यू निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। वो पॉइंट ऑफ व्यू अलग है, यहां पर उसकी जरूरत कभी नहीं पड़ती है, ध्यान रखिएगा। यहां पर इसको सोल्व करना, इसको सोल्व करने से x की पावर कितनी है 2, तो x की 2 वैल्यू प्राप्त होगी। यहां पर भी x, y की वैल्यू कितनी है 2, और उन दोनों के बीच में कंपैरिजन बताना है, और आपको बताना है कि जो x है वो y से छोटा है क्या, x जो है वो y से बड़ा है क्या, x जो है वो छोटा या बराबर y से है क्या, x जो है वो बड़ा या बराबर y कैसे, या x और y दोनों बराबर है, या फिर इसको नो रिलेशन वाला भी बोलते हैं, यानी x और y में किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं। देखिए, 2 संख्याओं के बीच में 5 ही संबंध हो सकते हैं, या तो वो उससे बराबर होगा या बड़ा होगा, या फिर छोटा या बराबर होगा, बड़ा या बराबर होगा, या इक्वल टू होगा, या फिर दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं होगा। तो ये इस प्रकार के ऑप्शन एग्जाम में आते हैं, इनमें से किसी एक को चुनना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है वो सॉल्यूशन आपको विद इन 5 सेकंड लिखना है, 5 सेकंड से 10 सेकंड के बीच में लिखना है। उसके लिए आपको कम से कम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, मैंने आपको बताया था कि 30 से 40 क्वेश्चन का डिस्कशन होना चाहिए। आज मैं आपको यहां पर 2 क्वेश्चन करवाया, उसके बाद कम से कम
ये एक क्वेश्चन है, इसको एक क्वेश्चन ही मानेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो दो है, पर क्वेश्चन क्या है, एक है, क्योंकि इससे उत्तर अपने को एक ही मिलना है। तो ये परीक्षा में एक क्वेश्चन माना जाता है। तो ये 10 सेकंड ये लगेंगे, 10 सेकंड ये लगेंगे, 20 सेकंड और 5 सेकंड में, 25 सेकंड में या 20 सेकंड में ये प्रश्न हो जाता है। ठीक है, इससे ज़्यादा का समय इसमें नहीं लगता। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको कैसे सोल्व करते हैं। देखिए, 3x² प्लस 13x प्लस 12 बराबर जरूर, इसको सोल्व करते हैं। पहले इसको सोल्व करें, मैं बिल्कुल बताऊंगा, ये सब मैं जो आपको बता रहा हूँ ना, ये कोई काम का नहीं, पर आपको ये तरीका भी पता होना चाहिए। इसको बोलते हैं गुणनखंड विधि। देखो, सवाल ये रहता है कि 12x² में इस 12 में इस 3 का गुणा करना, यानी यूं कहा जाए कि इस सी में ए का गुणा करना। व्हाट इज ए? कोफिशियंट ऑफ x² एंड व्हाट इज सी? व्हाट इज सी? कांस्टेंट टर्म, मतलब अचर पद है। तो ये यहां पे 12 जो है आपका अचर है, और इस एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वो 3 है, तो 12 में 3 किया तो कितना हो गया? 36। कितना हो गया? 36। इस 36 के ऐसे टुकड़े करना कि जोड़ने पर, यहां जो साइन हो वही बोलना, ध्यान रखना, ऐसे टुकड़े करना कि जोड़ने पर 13 प्राप्त हो। तो देखो, 36 के क्या क्या टुकड़े प्राप्त हो सकते हैं, भाई ऐसा कभी नहीं करना, फिर भी मैं बता, 2 तो कितना होगा? 18, फिर 2, फिर 9, फिर 3, फिर 3, फिर 3, 1। तो इसके टुकड़े क्या हो सकते हैं? 2 × 3 18 हो सकता है, 4 × 9 हो सकता है, और 12 × 3 हो सकता है, ठीक है, और 36 × 1 भी हो सकता है। ये इतने सारे टुकड़े हैं उसके, 12 के ऐसे टुकड़े करना। तो ये टुकड़े किए मैंने, तो एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, ऐसे दो टुकड़े करना कि जोड़ने पर कितना प्राप्त हो? 13। तो देखो, यही ऐसी चीजें जो 18 और 2 = 20 होते हैं, नहीं होगा, 12 और 3 = 15 होते हैं, नहीं होगा, 36 और 1 = 37 होते हैं, नहीं होगा, यानी कौन सा टुकड़ा होगा यहाँ पे? और भी होते टुकड़े, ऐसी बात नहीं है, 6 ले लो, 6 × 6 = 36, ये भी होता है, ऐसा थोड़ी है, क्यों नहीं होता है। ये इस प्रकार के टुकड़े भी होते हैं, परंतु यहां पर कितना चाहिए? 13 चाहिए। तो 12 × 36 के ऐसे टुकड़ों करो कि जोड़ने पर 13 प्राप्त हो। तो कुल मिला के इस 13x को दो टुकड़े करने का बात कर रहा हूं, तो 13x प्लस कितना होगा? 4x प्लस 9x प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, अब यहां पे क्या कॉमन निकालूं मैं? कॉमन निकालूं, कॉमन क्या निकलेगा यहां पे? x कॉमन निकलेगा, x कॉमन निकला तो कितना बचा? x प्लस 3x प्लस 4 और प्लस यहां पे कितना निकला? यहां पे भी 3x कॉमन निकलेगा, तो कितना होगा? 3 × 3 = 9, 3x प्लस 3 × 4 = 12, 4 बराबर 0। ठीक, तो x बराबर हो जाएगा यहां पे, यहां पे देखो, अब ये ऐसा करना, ये आपके क्लास जो 9th-10th में आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी होगी वहां पे यही सॉल्यूशन है उसका। ठीक, अब उसके बाद ये कोष्टक और ये कोष्टक दोनों में समान है, तो 3x + 4 और यहां पे बचा x + 3x, गाइड में भी देखोगे तो यही सॉल्यूशन मिलेगा आपको। उसके बाद क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, यहां पे x प्लस 3 कॉमन है, 3x + 4 + x + 3। ठीक, तो यहां पे क्या हो गया? 3x + 4 = 0 या x + 3 = 0। तो यहां से हो जाएगा x = -4/3 और यहां से हो जाएगा x = -3। ठीक, ये इसका उत्तर है। इसका सॉल्यूशन अगर ये करेंगे तो आपकी जो RRB ने ये है ना, इस जन्म में पूरी नहीं होगी। जो भी लिखेंगे उत्तर, लिखेंगे उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब कैसे लिखते हैं उत्तर, ध्यान से सुनिए, बहुत ही प्यारी चीजें मैं यहां पर बताने वाला हूं मैम। ठीक, अब यहां पर चीजों को मैं छोड़ दूं, ये चीजें अब कभी नहीं लिखेंगे, यहां पर जो चीजें लिखेंगे उसके बारे में हम बात करेंगे। वैसे उस पेपर को मैंने सोल्व करवाया उस समय भी चीजों को बताया था, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपनी कॉपी लेके लिख लेना, बिल्कुल कॉपी लेके भाई। यहां पे एक्स देखिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का गुणांक तो हमेशा प्लस होना चाहिए, तो x² का
गुणांक हमेशा प्लस, कभी माइनस हो तो भी प्लस बना लेना उसको, ठीक। उसके बाद पहली कंडीशन, अगर प्लस प्लस हो, देखिए एक्स यहां पे भी प्लस यहां पे भी प्लस, तो इसका मतलब होता है पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस हो तो इसके जो उत्तर होंगे वो दोनों ही माइनस के होंगे, ठीक है। और आएंगे हम बताते जाएंगे, दोनों के अगर उत्तर प्लस तो इसका मतलब होता है झंझट अप करना, डायरेक्ट गुणनखंड करना। तो 12 तिया 36, 36 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 13 प्राप्त हो। तो आपने देखिए 9 चौक 36, तो डायरेक्ट 9 और 4 लिखिए और इस 3 को भाग दे दीजिए दोनों में और ये साइन बदल दिए, यही उत्तर है, यही उत्तर है। फिर से 12 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 13 प्राप्त हो, तो 9 चौक 36, और जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके फैक्टर अपने आप होते जाएंगे, ठीक है। फिर से 12 के, और आपका जो मैं 9 टेबलेट्स वाला बता रहा हूं ना, वो चीज इतनी बढ़िया है कि आपको उससे फैक्टर बहुत ही फास्ट होंगे। फिर से 12 तिया 36, 36 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 13 प्राप्त हो, तो 9 और 4 फैक्टर है। अब ये माइनस माइनस तो मुझे पता है कि प्लस प्लस है, तो उत्तर दोनों माइनस के आना है, इससे टेंशन मत लो आप बिल्कुल भी। आपको 12 के ऐसे टुकड़े करना कि जोड़ने पर 13 प्राप्त हो, तो 9 और 4 13 हो गया, और एक्स स्क्वायर के कोफिशियंट को भाग दे दो 3, ये हो गया। अब इसको अगर देंगे तो 3 तिया 9, तो -3 और -4/3 आया है ना, -3 और -4/3 डायरेक्ट आया कि नहीं आया, ठीक हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं। ऐसे हम सवाल करेंगे और करेंगे। उसके बाद यहां पे बहुत ही सुंदर, जब वाई स्क्वायर का कोफिशियंट आपका 1 हो, कितना हो 1 हो, तो कहीं कुछ नहीं करना है, जो भी आप फैक्टर करोगे ये आपके उत्तर रहेंगे। अब फैक्टर क्या हो रहा है, 20 के ऐसे फैक्टर करोगे 9 आ जाए, तो 4 और 5 20 दोनों को जोड़ने पर, और जोड़ना की घटाना ये यहां से पूछेंगे, ये बोले कि प्लस तो जोड़ेंगे, ये बोले कि माइनस तो घटाएंगे, तो 20 तो 4 और 5 कितना हो गया 20, यानी इसका मतलब 5 चौक 20 माइनस माइनस उत्तर, ये उसके उत्तर है भाई, ये इसके उत्तर है। समझ पा रहे हो मेरी बात को, तो हम क्यों करें ऐसा, क्यों करें ऐसा, कभी नहीं करेंगे हम। अब देखो इसको फिर लिखता हूं मैं, बहुत ही सुंदर चीज। अब आपको देखो फास्ट एग्जाम में रियल टाइम जैसे क्वेश्चन आया उसका, अच्छा भारतीय 36 36 कैसे टुकड़े करोगे जोड़ने घटाने पर 9 चौक 36 9 चौक 36 मतलब होता है -9/3 -9/3 -3 -4/3 20 का 4 और 5 20 4 और 5 20 मतलब -5/-5 और -4 उत्तर। क्या हो पाया ऐसा, हो पाया ना सवाल। अब कंपैरिजन करिए, अब कंपैरिजन करते वक्त इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि यहां पे -3 है तो कोई भी -3 नहीं है सर, यहां मतलब ये चीज बड़ी भाई, माइनस में जितनी चीज छोटी वह उतनी ही बड़ी, उल्टा होता है ना इसका। और -4/3 का मतलब होता है ये भी 1 से ऊपर है, 200 तो ज्यादा नहीं है, तो यानी इसका मतलब होता है दोनों ही बड़े हैं, तो यानी एक्स बड़ा है वाई से, यही इसका उत्तर है, ये उत्तर है इसका। क्या आप मेरी बात को समझ पाए, ये था आपका पहला सवाल। ऐसे हम आज 10 सवाल करेंगे और उसके बाद इसका एक पार्ट तोड़ लेंगे, तो इससे क्या होता है ये फोबिया पूरा खत्म। मतलब बैंकिंग का मैथ्स के जो 5 नंबर के सवाल है वो बिल्कुल आपकी पूरी तरह से फोबिया खत्म हो जाए, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन, तो मैं आपको अब समय भी दूंगा, और समय कितना दूंगा, देखिए समय तो जितना है उतना ही दूंगा मैं, 20 सेकंड मतलब 20 सेकंड। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लिखिए, 8x² - 15x + 7 = 0, 2y² - 7y + 6 = 0, और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही सुंदर सवाल है,
जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे। हुआ, स्टॉप, बस इतना ही बड़ा सवाल है। अब देखो करिए, 7 8 56 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर पूरा प्राप्त हो, तो 7 8 56 यानी इसके फैक्टर होंगे 7 और 8, और यहां पे बटे में क्या बटे हो, 8 यानी 8। ठीक, अब यहां पे माइनस और प्लस आया, कोई बात नहीं, ये माइनस और ये प्लस, जब भी माइनस और प्लस आए तो दोनों उत्तर प्लस के होते हैं, दोनों ही उत्तर प्लस के होते हैं, बात ही खत्म, टेंशन नहीं लेना का बिल्कुल भी। समझ पा रहे हो मेरी बात को, दोनों उत्तर प्लस के होते हैं। तो देखो अब रियल टाइम लिखना है आपको, तो 7 8 56 का 6 56 को ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 15 प्राप्त हो, 7 8 56। देखो इसको एक बात ध्यान रखिएगा, आप अपनी एक आदत बना लीजिए, बड़ी संख्या को हमेशा पहले बोलिए, ये दो भाई साहब आएंगे तब काम आएगा आपका। बड़ी संख्या को क्या बोलिए, हमेशा पहले बोलिए, तो बड़ी संख्या को हम पहले बोले जाएंगे तो 7 8 56 यानी 8 7 56 यानी 8/8 मतलब 1 7/8। ठीक, ये हो गया उत्तर, जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, ये उत्तर आ गया इन दोनों के। फिर से देखो रियल टाइम, मजा आएगा इस चीज को जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे आप। फिर से 7 8 56 56 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 15 प्राप्त हो, ये माइनस के चक्कर में मत रहो साहब, मैं फिर बता रहा हूं, माइनस प्लस के उत्तर हमेशा प्लस आएंगे, टेंशन नकु लेवा। ठीक है, 7 8 56 56 का मतलब वही, फिर से 56 7 8 56 मतलब 8 और 7 इसके फैक्टर होंगे, 8/8 और 7/8 इसका उत्तर होगा, और 8/8 तो एक ही लिखो ना, बस ये उत्तर इसका। अब यहां पे दो 6 2 12 12 के ऐसे फैक्टर करो कि जोड़ने पर कितना प्राप्त हो, 7, जोड़ने पर कितना प्राप्त हो, 7। तो बता 4 3 12 तो 4/2 3/2 4/2 होता है 2 उत्तर, आंसर। क्या समझ पाए मेरी बात को, यही आपका आनंद है। ठीक है, कितना फास्ट हो, यही चीजों को करना है आपको, प्रैक्टिस करिए साहब, ये 10 सवाल को लिख लीजिए और आपके बिल्कुल गांठ बांध लीजिए इसको। ठीक है, देखिए आप जब तक मेरे साथ हैं, आपको देखना पड़ेगा कि आपको पिछला पेपर में मैंने 5 क्वाड्रेटिक इक्वेशन सिखवाई, आज मैं 10 का लक्ष्य रख रहा हूं, तो कितनी होगी, 15 तो हो गई, 15 में 1 1 2 2 क्वाड्रेटिक, तो 30 क्वेश्चन तो हो गए, 30 क्वेश्चन अगर और भी कर तो 50 क्वेश्चन का अगर आपके पास कलेक्शन हो गया, तो समय के साथ लगाइए, समय के साथ जंग करनी। ठीक है, क्या आप चीजों को समझ पाए, कहीं आपके मन में उलझन है, कहीं आपके मन में दिक्कत है, नहीं। चले अब हम बात करते हैं यहां पे 2y² - 7y + 6, ये अब नाउ टर्न टू द कंपैरिजन। कंपैरिजन देखिए बहुत ही प्यारी बात है, 7/8 का मतलब होता है जब भी, जब अंश जो हो वो छोटा हो हर से, तो उसकी वैल्यू 1 से कम होती है, और ये 1 भी क्या है, 1। अब इन दोनों को देखो तो ये चीज क्या हो रही, बड़ी हो रही है, इसका मतलब हो रहा है, इसका उत्तर हो रहा है x बड़ा है y से, क्या है, x बड़ा है y से। क्या चीजों को समझ पाए आप, ठीक है, बहुत ही सुंदर चीज, कहीं कोई दिक्कत इस सवाल में, चलिए कोई बात नहीं, अभी तो और चलेंगे, चलेंगे साहब चलेंगे, बहुत ही प्यारी चीजें, छोटी छोटी चीजों को लेकर हम चलेंगे, और क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो आपकी स्क्रीन पर मैं लिखता हूं और उसको आप करिएगा। चलो क्या तैयार हैं आप, 5x² + 3x - 14 = 0 और 2y² - 9y + 10 = 0 और योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत ही सुंदर सवाल, बहुत ही सुंदर सवाल, उम्दा सवाल है। तो चलिए स्टॉप, इतना अभी थोड़ा सा समय हम ज्यादा दे रहे हैं आपको, कोई बात नहीं, ज्यादा दे रहे हैं तो उसका टेंशन ही लेने का।
अब यहां पे हम बात करते हैं साइन आया है प्लस माइनस। देखो ये आया प्लस माइनस, तो प्लस माइनस के क्या उत्तर होंगे वो आपको ध्यान रखना। अब यहां पे माइनस माइनस भी लिख दूं मैं आपको, ये ध्यान रखिए, थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके सवालों के। चले 14 × 5 = 70, 70 के ऐसे टुकड़े करो कि घटाने पर 3 प्राप्त हो, घटाने पर 3 प्राप्त हो। 14 × 5 = 70, घटाने पर आपको कितना प्राप्त हो? 3 प्राप्त हो। अब बताओ क्या होगा, इसके टुकड़े क्या होंगे? बताओ बताओ, बहुत ही प्यारी चीज है, 10 और 7, 10 में से 7 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3 बचेंगे, और 10 में 7 का गुणा करेंगे तो 70 आएगा। चिन्ह की चिंता ना करें, चिन्ह की चिंता ना करें, चिन्ह से तो मैं आपको मुक्ति दिलाऊंगा। क्या दिलाऊंगा? मुक्ति दिलाऊंगा। अब मुक्ति यह होती है कि आपका उत्तर आया 10 और 7, हमेशा आपको फैक्टर में बड़ा वाला फैक्टर पहले लिखना है, बात ही खत्म, टेंशन न को लेवा। अब उसके बाद इस 5 का भाग देना है, तो ये 5 का भाग दे दिया, बस यही इसके उत्तर। अब रही बात चिन्ह की, तो यहां होते हैं प्लस माइनस, तो इसके उल्टे होते हैं इसके उत्तर, माइनस प्लस। बड़ा पहले लिखोगे तभी समझ में आएगा, क्या लिखना है? बड़ा पहले लिखना। कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर, आपका कॉन्सेप्ट हमेशा साफ होना चाहिए, कांच की तरह साफ, ठीक है। प्लस और माइनस, प्लस और माइनस है यहां पे, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके उत्तर जो आएंगे वो माइनस प्लस आएंगे। पर माइनस प्लस को ध्यान रखिएगा, उसके फैक्टर को हमेशा बड़े वाले फैक्टर को पहले लिखिए और छोटे वाले फैक्टर को बाद में लिखिए, ठीक। 10 को पहले लिखा, 7 को बाद, बस इसके उत्तर यही है। तो परीक्षा में जब भी बारी आई तो 14 × 5 = 70 मतलब होता है 10 × 7 = 70, 10 × 7 = 70 का मतलब होता है -10/5 और 7/5, यही उत्तर है इसका। 10/5 का मतलब होता है -2, तो इसका उत्तर होगा -2 और 7/5, यानी प्लस माइनस के उत्तर जो होते हैं वो हमेशा होते हैं माइनस प्लस। और ये माइनस मतलब फैक्टर जो होना चाहिए वो बड़ा लिखना चाहिए, फिर से मैं बता रहा हूं, गलती कर दी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर से फैक्टर हमेशा क्या लिखना, अच्छा आदत ही गलत, यहां पर भी फैक्टर पहले कौन सा लिखिए, पहले कौन सा लिखिए, बड़ा वाला फैक्टर लिखिए, बस गलती यही होना। यहां पर भी क्या होगा, यहां उत्तर कौन सा आएगा, माइनस और प्लस, अभी आया नहीं, आएगा इसका उत्तर, पर फैक्टर कौन सा लिखना है पहला, बड़ा वाला, बड़ा वाला फैक्टर पहले लिखना है, बस उसकी आदत डाल लीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है। 9 में 7 का गुणा करो और 7 में 9 का गुणा कोई करो, कोई फर्क नहीं, पर 9 को पहले बोलोगे तो थोड़ी सहूलियत होगी, यहां पर चिन्हों की, बस हो गया उत्तर। अब देखो 10 × 20, 20 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर 9 प्राप्त हो, तो 4 × 5 = 20, अब 5 × 20, माइनस और प्लस के उत्तर दोनों ही प्लस में आते, तो टेंशन न को लेवा। अब यहां पर 2, तो 5/2 और 4/2 यानी 2, ठीक। क्या मेरी बातों को आप समझ पाए? बस ये समझ पाए तो बढ़िया। अब रियल टाइम बताता हूं मैं, हाउ टू सॉल्व रियल टाइम। देखिए सोचिए, मेरी जितना सोचेंगे उतना फायदा मिलेगा इन सवालों में। देखिए रियल टाइम 14 × 5 = 70, 70 के ऐसे टुकड़े करो कि घटाने पर 3 प्राप्त होता है, 10 × 7 = 70, 10/5 मतलब होता है, 10/5 मतलब होता है 2, और देखो प्लस माइनस के उत्तर माइनस आएगा, और 10 × 5 = 10/7 = 70, तो माइनस प्लस के 7/5, ये हो गया आपके उत्तर, हो गया। इसको करेंगे तो 10 × 20, 20 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर प्राप्त होता है, तो क्या होता है 9, तो 5 × 20, 5 और 4, और दोनों प्लस के आएंगे, ये बात तय है पहले से। -2 तो हमेशा छोटा ही रहेगा, -2 हमेशा छोटा ही रहेगा इनसे। 7/5 का मतलब होता है 5 × 10 मतलब 2 से कम, 2 से कम का मतलब होता है ये भाई साहब छोटे ही रहेंगे इन दोनों से। तो यहां एक कंडीशन होगी, x ऑलवेज छोटा है y से, x लेस देन y। क्या आप मेरे बात को समझ पाए? 3 सवाल कर चुके हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो मजा आना चाहिए। देखिए मैं आपको सोल्व करवाना, ये तो कल क्लास 10वीं में भी सीख चुके, पर यहां पे विद इन 20 सेकंड्स यू हैव टू टिक राइट आंसर, आपको सही उत्तर को टिक करना है माउस से पकड़ के, और वो केवल विद इन 20 सेकंड्स, विद इन 20 सेकंड्स ध्यान रखिएगा।
ओरिजिनली हर क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए बैंक में 35 सेकंड मैक्सिमम मिलते हैं, पर अगर जितना, क्योंकि जो चीजें फिक्स है उनमें अगर जितना कम समय लोगे, अच्छे सवाल, सेंसिटिव सवाल, जहां पे आपको ज्यादा सोचना पड़ता है, वहां पर आप अपना टाइम बचा के ले पाओगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आपके हम पढ़ाते। क्या आपको चीजें समझ में आ रही है? आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही? ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपको बताते हैं। साहब जो भी चीज पढ़ाएंगे पूरी पढ़ाएंगे और ऐसी पढ़ाएंगे कि आपने अपने जीवन में नहीं पढ़ी होगी कभी। ओके, अब हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस छः बराबर जीरो और टू वाई स्क्वायर माइनस पंद्रह वाई प्लस सत्ताईस बराबर जीरो, और ये चौथे नंबर का क्वेश्चन है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके स्टॉप, टाइम इतना ही लेना है आप। ठीक है, अब देखो चौथा। अब यहां पे आपके सामने छह के ऐसे टुकड़े करो कि अब छः के तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है, कितना है एक, तो जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कछु ना लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे छः, छः को एक कहीं, उसके बाद यहाँ पे जोड़ने पर पांच पांच प्राप्त हो, तो तीन दूना छः और माइनस प्लस के उत्तर हमेशा प्लस में आते हैं, तीन और दो। ठीक, सेटिस्फाई। सत्ताईस दूना चौपन, सत्ताईस दूना चौपन, चौपन के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़ने पर प्रांतर प्राप्त हो और माइनस प्लस के उत्तर दोनों ही प्लस में आएंगे, उसकी भी टेंशन खत्म। तो होता है नौ चंग चौपन, नौ और छह पंद्रह होते हैं, ठीक है, जोड़ने पर, और सत्ताईस दुना चौपन भी हो जाते हैं, इसका मतलब होता है नौ और छह, तो नौ पहले बोलना है, तो नौ बटे दो और छह बटे दो मतलब तीन, इसका उत्तर है नौ बटे दो और तीन। आहा आनंद। अब देखो तुलना करो, तीन की तुलना करेंगे नौ बटे दो से, नौ बटे दो मतलब होता है साढ़े चार, मतलब तीन छोटा ही होगा। तीन की तुलना इससे करेंगे तो क्या होगा, तीन बराबर हो जाएगा। दो की तुलना नौ बटे दो से करेंगे, दो छोटा ही होगा। दो की तुलना तीन से करेंगे तो दो से, इसका मतलब तीन बार तो ये एक्स छोटा है, तो इसका मतलब होता है तीन बार तो छोटा है पर एक बार बराबर है, तो एक्स लेस और इक्वल वाई। आहा, एक्स लेस और इक्वल वाई। क्या मेरी बातों को आप समझ पा रहे हो तुरंत? क्या 20 सेकंड में आप जवाब नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल लिखिए चैट बॉक्स में कि यस 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 दे सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे आगे क्वेश्चन की तरफ। ठीक, क्वेश्चन नंबर कौन सा? पांच। क्वेश्चन नंबर पांच, चलिए क्वेश्चन नंबर पांच की तरफ हम बढ़े, तो सरल सा क्वेश्चन लेते हैं। चलो कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस भी लेना चाहिए। देखिए x इक्वल टू अंडर रूट में 24 0 1, ठीक, और एक और आ गया 2y² - 9y - 56 = 0। चलिए स्टार्ट। स्टॉप, बस इससे ज्यादा इससे ही। यहां पर जो चीज आई है उसके बारे में चार, थोड़ा सा इसमें गलती हो गई यार सर, थोड़ी सी गलती हो गई। गलती ये हुई कि यहां पे चार है, कोई बात नहीं, आपने जो भी उत्तर लाए हैं उसके भी कोई बात नहीं, 24 0 1 का भी वर्गमूल तो होता ही है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं लेने का। अब देखो यहां पर इस सवाल को करना है, चलो इससे बताइए उत्तर, कोई दिक्कत नहीं, एक 10 सेकंड और दे देते हैं आपको।
अब यहां पे करना है, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर बराबर, अगर आपके पास कोई चीज आए एक्स स्क्वायर बराबर 49, तो ये आपसे ये पूछ रहा है कि इस एक्स की जगह में क्या रखूं कि मुझे 49 प्राप्त हो जाए। बहुत ध्यान से सुनना सवाल को, एक्स की जगह क्या रखूं कि मुझे 49 प्राप्त हो जाए। तो यहां पे एक्स की जगह में +7 रखूंगा तब भी मुझे 49 प्राप्त हो सकता है, और -7 रखूंगा तब भी मुझे 49 प्राप्त हो सकता है। इसका मतलब हुआ जब स्क्वायर आए तो दो वैल्यू होती है, एक तो प्लस की और एक माइनस की, ठीक है, यहां तो कोई दिक्कत नहीं। परंतु जब सवाल ऐसा पूछा जाए कि एक्स बराबर ऐसा, तो इसमें एक्स की मात्र एक ही वैल्यू होती है, क्योंकि इस 49 की वैल्यू होती है 7, तो इस एक्स की वैल्यू केवल 7 ही रखी जा सकती है। अंडरस्टूड, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर यहां पे एक्स की घात 3 इक्वल टू 216 है तो एक्स की वैल्यू ऑलवेज केवल +6 ही होगी, क्योंकि इस एक्स की जगह -6 रखने पर -216 प्राप्त होगा। समझ पा रहे हो मेरी बात को? पर यही अगर चीज ऐसी हो जाए कि एक्स की घात 2 बराबर 169 हो तो एक्स की इक्वल टू होगा -13 और +13। क्या आप मेरी बात को समझ पाए, गांठ बांध पाए इन चीजों को? ठीक है, आगे और चलते हैं, जहां जरूरत पड़ेगी मैं अपनी बात बताऊं। अब यहां पे क्या होता है, इसको 4 लिखा हुआ, 4 का मतलब अगर ऐसा लिखा होता 2401, अच्छा कितनों को 2401 बराबर डायरेक्ट लिखना आता है, कितना 48 49, ठीक है 49। अब ये 49 आपको लिखना आना चाहिए सर, मेरी एक बात रिक्वेस्ट है आपसे। ये कैसे, क्योंकि हमारी जो 9 टेबलेट्स मैं आपको बता रहा हूं, कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए, बैंक की एग्जाम को पास करने के लिए 9 टेबलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है होती है 49 का वर्ग, और 100 तक वर्ग आपको पक्के होता चाहिए, तो इसको 49। पर ये इसकी घात कितने रख रहा है, 4, इसका मतलब होता है 49 ऐसी संख्या लिखी है जिसका घात 4 करने पर 24 हो, 7, क्योंकि 49 का भी वर्गमूल कितना होगा 7, यहां तक ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 7, और एक और 7 ले लो, क्योंकि दो वैल्यू लिखना है इसलिए साथ साथ कंपेरिजन करने में ठीक है। अब यहां पर 56 दुना कितना होता है 112, 112 के आपको ऐसे टुकड़े करना कि जोड़ घटाने पर 9 प्राप्त हो। अब आप सोचोगे सर ये समझ में नहीं आ रहा हमको, बहुत ही प्यारी चीज है। फिर से देखो, यहां पे बहुत सारे, एक स्टूडेंट ने पूछा था मेरे से कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, मैंने बोला था उससे कि हमारा नेक्स्ट का सेशन देखिएगा उसके लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फैक्टर कैसे किए जाते हैं। मैं एक बात बताता हूं कि अगर आपको फैक्टर सीखना है तो हमारी 9 टेबलेट्स को पूरा पक्का करिए, और 9 टेबलेट्स में जो 30 तक के पहाड़े हैं वो ही सबसे इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, 30 तक के पहाड़ों का ही कमाल है यहां फैक्टर, और यहां पर भी वही है। अगर आपको पहाड़े नहीं आते, दुनिया की कोई ताकत आपको फैक्टर, अच्छा फैक्टर ऐसे कर लिया 56 दुना 112, तो 2 के और 56 के टुकड़े करो तो 8 गुणा 7, 8 के भी करो तो कितना होगा 2 गुणा 2 दून 4, 4 दूनी 8, तो फैक्टर ये हो रहे हैं 7 2 2 2 2, ऐसे 2 फैक्टर करना कि घटाने पर 9 प्राप्त हो, तो आपका देव आ जाएगा तो भी समझ में नहीं आएगा आपको। साहब मैं फिर कह रहा हूं, 56 दुना कितना हुआ 112, यानी 56 गुणा 2 हो रहा है 112। 112 कौन कौन से पहाड़े में आते हैं, अगर आपको ये आ गया तो काम हो जाएगा, और मुझे पता है कि कहां कहां आता है। साहब 16 में 7 का गुणा करते हैं तो 112 आता है, आता है कि नहीं आता है, 16 गुणा 7 112, और ये 30 तक के पहाड़े आपको कंप्लीट होना चाहिए। साहब देखिए, आप सोचेंगे कि यार कोई चीज जादू हो जाए वर्ग समीकरण में, जादू नहीं होगा सर, मैं फिर बता रहा हूं, अगर आपको 9 टेबलेट्स कंप्लीट नहीं है तो फिर गणित का कोई भी काम आप नहीं कर सकते साहब, हमेशा आप बाउंड्री पे जाके रुकोगे। तो क्या हो रहा है, 16 छन्नू 16 7 कितना हो रहा है 112, यानी 16 और 7, क्योंकि 16 में से 7 जाएंगे तो 9 बचेंगे, तो बात ही खत्म। इसके फैक्टर क्या होंगे, और माइनस माइनस के फैक्टर हमेशा माइनस प्लस होता है,
क्या होता है माइनस प्लस, क्या होता है माइनस के प्लस, सॉरी माइनस माइनस के उत्तर होते हैं प्लस माइनस, सॉरी हाँ मैंने कहा क्या गलती है, क्योंकि प्लस माइनस के उत्तर माइनस प्लस होते हैं ना, तो माइनस माइनस के उत्तर प्लस माइनस होते हैं, सॉरी 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 बोल दिया, पर अभी तक हमेशा माइनस वाला सवाल भी नहीं आया इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई, ठीक है। 56 दुना कितना होता है 112, 112 के ऐसे टुकड़े करो कि घटाने पर 9 प्राप्त हो, तो 16 गुणा 7, तो 16 और 9 इसके फैक्टर हुए, उत्तर आएंगे प्लस माइनस, यानी ये माइनस, बड़ी संख्या के प्लस और छोटी संख्या के माइनस, बटे में कितना आएगा वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2/2। अरे जो भी लिखेंगे उत्तर लिखेंगे, उत्तर के अलावा कुछ नहीं लिखेंगे, पर फैक्टर तो आपको आना चाहिए, और फैक्टर आने के लिए 30 तक पहाड़ याद होना चाहिए आपको, तो यहां पर क्या होगा डायरेक्ट 16/2, 16/2 मतलब 8 और उसके बाद 7 माइनस 7/2 उत्तर आया। आनंद आया, परम आनंद आना चाहिए आपको। देखो ये 8 इन दोनों 7 से बड़ा बड़ा, ये माइनस 7/2 इन दोनों 7 से छोटा, तो ये एक बार छोटा एक बार बड़ा हो भी नहीं सकता सर, ऐसा हो सकता है क्या कि मैं एक बार आपसे छोटा और मैं एक बार बड़ा, ऐसे कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब होता है, इसका उत्तर होगा नो रिलेशन, है ना, नो रिलेशन कांट बी एस्टैब्लिश्ड, यानी किसी भी प्रकार का कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। क्या ये 5 समझ में आया आपको? ठीक है, देखिए आज थोड़ा सा ये 5 सवाल ही काफी है हमारे लिए, ठीक है। अब कल से ध्यान रखिएगा, सुबह 6 बजे, मैं फिर बता रहा हूं यहां पे, अब एक बिल्कुल भी सुबह 6 बजे आपके कैलकुलेशन को फास्ट करने के लिए एक क्लास चलाई जाएगी हमेशा, जिसको अपन 9 टेबलेट्स का नाम देते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें भी रोजाना प्रैक्टिस के लिए हम रखेंगे 9, ठीक है, सुबह 6 बजे, 7 बजे सॉरी उसके बाद 8 बजे आपकी एक क्लास आएगी जो रहेगी मैथ्स की, और वो किससे रिलेटेड है, बैंकिंग से रिलेटेड, ठीक, ये दोनों क्लासेस आपकी रहेगी, ठीक, और 9 बजे रहेगी आपकी बैंकिंग की रीजनिंग की क्लास, ये कल से रहेगी, ठीक है। रीजनिंग की क्लास में मैं आपको फिर बता रहा हूं, मैं आपको कोई टॉपिक लेके नहीं चलूंगा, मैं हमेशा आपके 5-5, 10-10 सवालों को लेके चलूंगा, क्यों, क्योंकि रीजनिंग में मैटर ही ऐसा ही होता है, ठीक है। तो आपकी ये क्लासेस का टाइम रहेगा 6 बजे 8 बजे और 9 बजे, कब से, कल से, बिल्कुल इस समय आप बिल्कुल लाइव प्रेजेंट रहना, ठीक है। तो चीजें ये हैं, आज तो हमारे पास ये थोड़ा सा लेट वीडियो आ रहा है, बिल्कुल आप चिंता ना करें, अब कल से, कल का मतलब होता है यहां पे थर्सडे यानी गुरुवार से, ठीक है, आज वेंसडे, कल से आपके पास ये क्लासेस इस प्रकार से आएगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल हमारे साथ जुड़े रहिए, बैंकिंग का जो प्री का है वो पूरी तरह से प्री, यहाँ पे मैं बताऊँ जब भी बैंकिंग का प्री बोलूँ तो सभी प्रकार का प्री, भले वो IBPS प्री हो या फिर PO प्री हो, आपका IBPS PO हो, IBPS क्लर्क हो, RRB क्लर्क हो, RRB PO हो, RBI हो, SBI हो, सभी प्रकार के प्री के लिए हो, पर अभी हमारा मिशन जो सामने है वो RRB के लिए, ठीक है। बिल्कुल, आपको एक क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ पहुंचाइए, दोस्तों को बताइए, और अगले दिन जब भी यहाँ पे हम आएंगे 8 बजे मैथ्स की क्लास लेके, इस बात को ध्यान रखिएगा, आपके पास मैं आपको रिक्वेस्ट, मैथ्स बाय मुकेश परिहार प्ले स्टोर में जाके आप एक ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, और उस ऐप में आपको मॉक टेस्ट नाम की एक चीज मिलेगी, ठीक है। सबसे पहले तो ऊपर एक SSC लिखा होगा, ऐसा डायरेक्ट SSC आ जाता है, तो उसको बैंक एंड इंश्योरेंस सिलेक्ट करना, ठीक ठीक है, और वहां पे मॉक टेस्ट में आपको इस मैथ्स के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है, तो वो करिएगा, ठीक है। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, और सफलता के उस अंतिम पड़ाव तक चलेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।